नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज 2019 में 93वीं रैंक हासिल करने वाली ऐश्वर्या श्योरान काफी सुर्खियों में है। ऐश्वर्या को लोगों ने ब्यूटी विथ ब्रेन की उपाधि दे डाली, क्योंकि वो मिस इंडिया फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं और उन्होंने यूपीएससी में 93वीं रैंक हासिल कर ली। आर्मी बैकग्राउंड से आने वाली ऐश्वर्या ने यूपीएससी की परीक्षा में 93वीं रैंक हासिल की है। ऐश्वर्या फेमिना मिस इंडिया 2016 में फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। 2015 में मिस दिल्ली का खिताब भी उनके नाम रहा। ऐश्वर्या 2014 में दिल्ली की क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस भी रह चुकी हैं। 2016 में मुंबई में आयोजित लैक्मे फैशन वीक, जो कि देश का सबसे बड़ा फैशन शो है, जिसमें देश के जाने माने मॉडल्स के साथ एकमात्र न्यू मॉडल ऐश्वर्या थी। आपको बता दें, सिविल सर्विसेज 2019 का रिजल्ट आने के बाद से इंटरनेट पर लोग ऐश्वर्या के बारे में जमकर सर्च कर रहे हैं, जिस वजह से सोशल मीडिया पर उनके फेक अकाउंट्स की लंबी लिस्ट लग गई है। लेकिन अब उनका फेक अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीरें डालने वालों को ये काम महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में अब FIR दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके यूपीएससी क्लियर करने की खबर जब से सामने आई, तब से उनके 20 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बन गए हैं, जिस पर उनकी तस्वीरें डाली जा रही है। इससे परेशान होकर ऐश्वर्या मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। ऐश्वर्या के मुताबिक अब तक ये गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन भविष्य में उन अकाउंट्स का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट ही नहीं बनाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।